इंतजार पे, लेकिन जिकॉर्ड को यहाँ पे नॉकआउट किया गया। मिड का स्प्रे रहेगा, निंजा यहाँ पे बात करें थोड़ा सी। यहाँ पे गलती कर बैठा है, नीचे को भी यहाँ पे टेक डाउन करने के साथ नहीं हो आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ग्रेनेड एक और पिन आउट होगा, आगल यहाँ पे वापस यहाँ पे नॉक इन कर रहे हैं। क्या ये एक बेहतर ग्रेनेड साबित हो सकती है? अगर ये कनेक्शन ढूंढ लेती है मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है, डैमेज मिलेगा, बहुत ज्यादा डैमेज डील करना पड़ा TSMK मेंबर को। लेकिन अब Godlike, क्या यहाँ पे नेक्स्ट मूव इनके तरफ से होने वाला? फिनिशर की बात करें, ये एंगल बनाया जाएगा नियो की तरफ से, इंस्टेंट फ्लेश ऑफ करके पीछे अपने आप को लेके जाते हैं, लेकिन वापस से ब्लेज यहाँ पे थोड़े से एंगल डालते हैं, नियो को नॉक आउट कर दिया गया। जॉनथन 1v1 के बैटल में पीछे से सपोर्ट भी है यहाँ पे ब्लेज के पास, कंप्लीट जॉनथन यहाँ पे आगे जाके नॉक आउट करना इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन वेट किया जा रहा है पूरे सिचुएशन को अच्छे तरीके से यहाँ पे भापेंगे, क्योंकि एक अब पूरी की पूरी टीम यहाँ पे Godlike मुश्किल में आ चुकी है। क्लच गॉड को मैच से बाहर किया गया, जी गॉड भी डाउन है, नियो भी डाउन है। चौथे की बात करें, ब्लेज को यहाँ पे नॉकआउट करने के चांसेस, डैमेज काफी ज्यादा, एंड फाइनली रिच का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल, नॉक आउट किया जा चुका है। बैकअप बात करें बहुत इंसिडेंट आएगा, लेकिन मिड के स्प्रे के लिए तैयार होना पड़ेगा। रनिंग व्हीकल, माय गॉड रनिंग व्हीकल बाइक में थे, उसके बाद भी यहाँ पे शैडो को टेक डाउन करते हैं। एक्वानॉक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नियो को रिवाइव दिया गया। अब यहां से एक फाइनल से हम जॉनथन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सामने से एक्वानॉक्स यहां पे बात कर ट्राई करेंगे, रिवाइवल रन किया गया, 1v1 का बैटल कर सकते हैं सिचुएशन, 1v4 आई थिंक यहां पे TSM की टीम को इस मैच से पोजीशन पॉइंट ज्यादा मिल जाएगी। इसका मतलब है गैलेक्सी रेसर्स टॉप 8 टीम में आपको देखने को मिलेगी। एक्सो के प्लेयर्स को बाहर किया, अकेले जॉन ह्यूमनॉइड और लाइक जैसी देखने को मिलेंगे, जी गॉड प्रोन है, जी गॉड एक प्लेयर को इजी लेके जाएंगे, दो प्लेयर को लगभग लुक कर ले गए, और यहाँ पे आते देखेंगे जॉनथन एक प्लेयर को लेके जाएंगे, दो प्लेयर एक लास्ट का जंप शॉट कैरी टू इंडिया पहुंचा जॉनथन।